एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू फनी इन एक्शन। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे आपसे। देखो तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था ये चीज़ कि एंक्शन का ये जो है आज कैलेंडर मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख आ रहे कैलेंडर है, सुरक्षा मार्गदर्शिका बहुत सारी अच्छी मतलब की चीज़ें हमारे लिए दी गई हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको बताने की कोशिश करूँगी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। देखो क्या है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको ईजी हो समझने में। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो है ना, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो मतलब कि बहुत सारे टाइप्स का एक्सटिंग्विशर होता है ना आग बुझाने के लिए। बहुत सारे जहाँ भी आग लग जाती है तो फिर आप क्या करना होगा, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आप कोई सोच सकता है कि भाई कैलेंडर में हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं अपने मतलब का। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा था बताने के लिए, इसलिए मैंने जो है इसको आज के वीडियो में रखा टॉपिक। तो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फायर टाइप लिखा हुआ, क्लास ए बी सी डी इलेक्ट्रिकल और क्लास एफ करके दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ ऊपर देख पा रहे हो आप, एक पाउडर लिखा है, पावर टाइप एक्सटिंग्विशर है और एक फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये वेट केमिकल वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लास ए में जैसे कि आप देख पा रहे हो सॉलिड लिखा है। सॉलिड सॉलिड में जैसे आप मान लीजिए लकड़ी हो गया है ना, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, अगर ये सब का आग लग जाता है कहीं तो आपको किससे बुझाना है। आप पाउडर वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है बिल्कुल उसको यूज़ करोगे, फोम वाला भी यूज़ करेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर यूज़ कर सकते हैं, वेट केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि जब मान लो कहीं लकड़ी जल रही, प्लास्टिक जल गया, पेपर जलने लगा, तो वहाँ पर आपको CO2 और वेट केमिकल यूज़ नहीं करोगे। समझ में आया। अब हम दूसरा यूज़ क्या करेंगे, पाउडर और वाटर यूज़ करेंगे और फोम यूज़ करेंगे, तीन चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इस दौरान। क्लास एट फायर टाइप में बात हो रही थी। अब दूसरा है कि क्लास बी में आपका फ्लेमेबल लिक्विड्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका सॉल्वेंट, पेंट हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब का अगर कहीं आग बन गया है ना, तो आप पाउडर वाला जो पाउडर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ किया जाएगा, फिर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल CO2 भी यूज़ किया जाएगा, वाटर यूज़ नहीं करेंगे। जब भी हम पेंट हो गया, फ्यूल हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, ये सब में वाटर यूज़ नहीं करेंगे, हम वेट केमिकल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो यूज़ क्या करेंगे, पाउडर, फोम और CO2। समझ में है। इसी तरीके से बाकी सब दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ ही सकता है आपके एग्जाम में। गैसेस की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, ब्यूटेन, प्रोपेन, LPG, कहीं सिलेंडर फट गया, आग लग गया, ऐसा हो गया, उस केस में पाउडर वाला हम यूज़ करेंगे, पावर फायर फायर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, लेकिन फोम यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में याद रखिएगा, फोम टाइप हम नहीं यूज़ करेंगे, CO2 भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही वाटर यूज़ करेंगे, ना ही वेट केमिकल यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ क्या करेंगे, पाउडर। ठीक है, अगर कहीं गैस लीक हो गई या गैस कहीं आग लग गया तो पाउडर टाइप हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे उस केस में। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लेवल आपका डी। ठीक है, क्लास डी में आपका मेटल्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब में कहीं आग लग गई तो उस केस में हम पाउडर टाइप यूज़ करेंगे, पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम नहीं यूज़ करेंगे, CO2 भी यूज़ नहीं करेंगे, पाउडर वाटर भी नहीं यूज़ करेंगे, वेट केमिकल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो दो चीज़ याद करें, बहुत ही ईजी है याद करना, एक तो गैस हो गया और एक मेटल्स हो गए, ये दोनों जगह आग लगती है तो सिर्फ हम पाउडर पावर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया है ना, आपका TV हो गया, फ्रिज हो गया, सर्वर हो गया, ये सब कुछ हो गई, तो वो सब केस में भी पाउडर यूज़ करोगे, CO2 यूज़ करेंगे, क्या यूज़ नहीं करेंगे, फोन यूज़ नहीं करेंगे, वाटर यूज़ नहीं करेंगे, वेट केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। अब आपका लास्ट हमारा क्लास एफ है। क्लास एफ में आप देख पा रहे हो, ये क्लास एफ में क्या है, कुकिंग ऑयल्स, आपका कुकिंग फैट, ओलिव ऑयल, ऑयल वॉयल, जहाँ आग लगी हो तो वहाँ पे आप जो है पाउडर नहीं यूज़ करोगे, पाउडर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं किया जाएगा, उसमें से कुछ यूज़ नहीं किया जाएगा, ना ही फोम, ना ही CO2, ना ही वाटर, सिर्फ और सिर्फ वेट केमिकल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो सम एग्जाम्पल और बिजनेस दैट मे नीड दिस एक्सटिंग्विशर। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो ये जो पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है आपका, एक और किस केसेस में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर देखो बना हुआ है आउटडोर लोकेशन, गैरेज, वेल्डिंग वर्कशॉप, फोर कोर्स, तो यहाँ पे जो है आप पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जा सकता है, फोम वाला जो है स्कूल, ऑफिस, होटल, शॉप, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, CO2 जो है ऑफिस सर्वर रूम्स में यूज़ किया जाएगा, उसके बाद वाटर जो है आपका स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, यहाँ पर भी यूज़ किया जा सकते हैं, यानी फोम वाटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेट केमिकल जो है किचन, कैंटीन, रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाएगा, और बाकी जो है अगर मान लो जो ये फायर एक्सटिंग्विशर खोलने नहीं आता है तो ये यंत्र यहाँ पर दिया हुआ, अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ, पिन को खींचो, आधार पर निशान लगाओ, आप यहाँ पे हैंडल को दबाएंगे, आपके आसपास छिड़काव करिए,
इस टाइप से दिया हुआ है, इसको मैं जो है प्रॉपर चीज़ पे नाम प्रोनाउंस होंगी तो थोड़ा ईजी हो जाएगा थोड़ा सा याद करने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, पीछे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से मैं कुछ भेज दूँगी आपको, आप देख लेना, उसको पढ़ लेना, बहुत ईजी है और ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ में तो एक्सटिंग्विशर से क्वेश्चन खुद ही आते हैं, आप जानते ही हो, मैं पूछता है आपसे कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, सीओ टू टाइप एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसा ऐसा तो जब पता होगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यही रखते हैं आज का, यही बताना था आज के वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट क्लास।